सो स्टूडेंट्स, हम स्टीम ट्रैप्स की बात कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप के स्टीम ट्रैप्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप्स जो कि हमारे अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से हमारी कैटेगरी में आते हैं। दिस आर बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, पता कर सकते हैं। दे फॉलो ISO चार्ट 46704-1982। एज पर दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे जो तीनों ट्रैप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। जो फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन है आपका स्टीम ट्रैप्स का, दैट इज थर्मोस्टेटिक ट्रैप। नाउ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बेसिकली वर्क्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। जो भी फ्लूइड है उसको टेम्परेचर वर्क करता है अल्टीमेटली। ये इस टाइप के जो स्टीम ट्रैप्स होते हैं अल्टीमेटली जो सैचुरेटेड स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है अल्टीमेटली वो नॉर्मली प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब स्टीम स्पेस अपने एंथैल्पी को गिव अप करती है, इवोपोरेशन के बाद हीट को जो उसने अब्जॉर्ब किया था वो उसको जब गिव अप करती है तो वो कंडेंसेट प्रोड्यूस करता है अल्टीमेटली। इसके बाद एज सून एज जब ये कंडेंसेट प्रिपेयर हो जाता प्रोड्यूस हो जाता है, सिंस अभी उसका टेम्परेचर इज इक्वल टू स्टीम का टेम्परेचर, बट एज सून एज द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट फॉल्स फर्दर तो वो टेम्परेचर अल्टीमेटली हमारा जो थर्मो स्टैटिक ट्रैप है उसको नोट डाउन करता है, सेंस करता है और उस लोअर टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट को हमारे जो सिस्टम से रिमूव करता है। जैसे ही वो कंडेंसेट रिमूव होता है, अगर उसके बाद हमारी जो स्टीम जो है जो इवेपोरेशन के बाद हाई टेम्परेचर पे स्टीम जो हमारी है वो अगर वापस ट्रैप के पास जाती है तो ट्रैप उसका टेम्परेचर नोट डाउन करती है। सिंस उसका टेम्परेचर हाई रहता है तुरंत थर्मोस्टेटिक ट्रैप जो है वो अपना जो वॉल्व है वो क्लोज कर देती है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे वॉल्व ओपन या क्लोज होता है। कंडेंसेट का टेम्परेचर कम रहता है सो उसके लिए वॉल्व ओपन हो जाती है। जैसे आपस आपकी गैस बाहर आपकी स्टीम वहाँ पहुँचती है उसका टेम्परेचर हाई रहता है तो आपस से वो क्लोज क्लोज आ जाता है। तो हाई टेम्परेचर के लिए वॉल्व क्लोज रहती है और लोअर टेम्परेचर के लिए वॉल्व ओपन रहती है। तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैप फॉर स्टीम सिस्टम। सेकेंड आता है मैकेनिकल ट्रैप। ये बेसिकली फ्लूइड की डेंसिटी के बेसिस पे वर्क करता है। जो भी फ्लूइड इसके फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर पाइप से जो सेंस करता है कि डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ स्टीम एंड कंडेंसेट, उनकी डेंसिटी के में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे वर्क करता है। यूजुअली इसमें एक बॉल फ्लोटिंग ट्रैप आता है और एक इन्वर्टेड बकेट ट्रैप आता है। दो टाइप के मैकेनिकल ट्रैप्स आते हैं। जब हम बॉल फ्लोट ट्रैप की बात करेंगे, एक बॉल जो सरफेस फ्लोट करती है अल्टीमेटली, जैसे ही वहाँ कंडेंसेट आता है तो बॉल जो है वो राइज कर जाती है। उसके राइज होने की वजह से आपका जो वॉल्व है वो ओपन हो जाता है और आपका जितना भी डेंसर कंडेंस्ड वाटर या जो भी फ्लूइड है वो रिलीज कर देता है। वहीं जब इन्वर्टेड बकेट ट्रैप के कैसे बात करेंगे हम, है ना। अभी बॉल ट्रैप में तो हमारा क्या हुआ कि जैसे ही कंडेंसेट आया बॉल ने अपना मोशन ऊपर करा और उसको निकाल दिया। जैसे कंडेंसेट वाटर खत्म हो जाएगा पूरा निकल जाएगा और वहाँ पर आपस वेपर्स रहेंगे, वो जो बॉल है आपस से डाउनवर्ड मोशन में आके आपस से वॉल्व को क्लोज कर देगी। पर जब हम सेकेंड टाइप के ट्रैप की बात करेंगे तो वहाँ पर एक इन्वर्टेड बकेट फ्लोट करती है। जब स्टीम उस ट्रैप की तरफ पहुँचती है तो वो फ्लो जो बकेट है वो राइज हो जाती है और वॉल्व को क्लोज कर देती है। ठीक है, वेयर जब हम बॉल वाले से बात करते थे तो वहाँ पर फ्लोट करने की वजह से वॉल्व ओपन हो रहा था। तो दोनों में बस बेसिक डिफरेंस यही है कि बॉल के केस में जब कंडेंस वाटर आता है तो उसका मोशन अपवर्ड हो जाता है, वो फ्लोट करती है और इस वजह से वॉल्व ओपन हो जाता है। वहीं बकेट के केस में वो जब गैस आती है जब लोअर डेंसिटी फ्लूड आता है तो वो अपना फ्लोटिंग चालू करती है, इसकी वजह से जो है वो वॉल्व क्लोज हो जाता है अल्टीमेटली अपना। दोनों ही बेसिकली मैकेनिकल मेथड यूज़ किया जाता है अल्टीमेटली, जैसा वो मैकेनिकल ट्रैप की कैटेगरी में अल्टीमेटली आती है। और थर्ड टाइप ऑफ ट्रैप जो होता है वो होता है थर्मोडायनामिक ट्रैप। जो बेसिकली फ्लूइड के जो डायनामिक्स होते हैं उनके चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे वर्क करती है इस टाइप की ट्रैप्स। तो थर्मोडायनामिक ट्रैप जो होती है वो रिलाई करती है पार्टली ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लैश स्टीम जो कंडेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको अल्टीमेटली वो एक्शन में लेकर अल्टीमेटली उसका यूज़ करती है। मल्टीपल ग्रुप इसके इंक्लूड्स होते हैं, इसमें थर्मोडायनामिक भी होता है, डिस्क होता है, इसमें इम्पल्स होता है, इसमें लेबरिंथ होता है। ये डिफरेंट टाइप के स्टीम ट्रैप्स हैं जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आते हैं जो बेसिकली फ्लूइड की डायनामिक्स के ऊपर एक्ट करता है, उसके ऊपर अपना ऑपरेशंस ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ वॉल्व परफॉर्म करता है अल्टीमेटली। थैंक यू।